बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आयशा गिल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको रेबिन बिरयानी की जो है वो रेसिपी बताने जा रही हूँ। ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें यूज़ होनी है, तो इसलिए मैं इसको स्टेप बाय स्टेप ही आप तक पहुँचाऊँगी। तकरीबन 1.5 किलो के करीब मैंने चिकन लिया है, ठीक है। उसको मैंने धो के साफ़ कर दिया है। 2 बड़े साइज़ के प्याज, उनकी कटिंग कर ली है। 2 टमाटर लिए थे, उनको मैंने काट लिया। 2 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, 5 से 6 हरी मिर्चें, और उसके अलावा ये गरम मसाले में 2 टेबल स्पून सुरख मिर्च के मैंने इस्तेमाल किए हैं, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला, 1/2 टेबल स्पून के करीब हल्दी, नमक हसबे ज़ायका, कुछ तेज़ पत्ते मैंने लिए हैं, साबुत धनिया मैंने लिया है ये भी तकरीबन 1/2 टेबल स्पून के करीब है, कुछ लौंग है साबुत मसाले में, बड़ी इलायची है, दालचीनी है, दालचीनी पाउडर है, बादियान के फूल, काली मिर्चें और साथ में ज़ीरा। अब चलते हैं चूल्हे की तरफ। हाँ जी, ये तकरीबन मैंने 1 कप के करीब मैंने कुकिंग ऑयल लिया है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर चिकन डालूंगी। इसको मैं हल्का सा बस फ्राई करूंगी इसका कलर चेंज होने तक। हाँ जी, चिकन का कलर आप देख सकते हैं सफ़ेद हो गया, कलर इसका चेंज हो गया। अब मैं सारे मसाले इसके अंदर ऐड कर दूंगी। इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। पानी वगैरह मैं इसमें कोई ऐड नहीं करूंगी, चिकन जो है अपने ही पानी में जो है ना वो गल जाएगा। ये अरेबियन बिरयानी के लिए कोरमा तैयार कर रही हूँ मैं। हाँ जी, जब तक हमारा कोरमा तैयार होता है तब तक मैं आपको बाकी की चीज़ें बता देती हूँ। इसमें जाएंगे आलू, ये बड़े साइज़ के मैंने तकरीबन 1 किलो के करीब आलू लिए थे, उनको मैंने मोटा मोटा जो है गुलाई में कटिंग कर लिया है इस तरह से। ये देखें इतने मोटे साइज़ का आपने कटिंग करना है। इस तरह से मैंने 2 बड़े टमाटर लिए थे, उनको भी मैंने इतना ही मोटा तकरीबन 1/2 इंच के करीब मोटाई में मैंने इसको कटिंग करके इमली के पानी में डिप कर दिया है। प्याज मैंने लिए थे 5, उनको भी मैंने मोटाई में गोल गोल कटिंग कर लिया इसका। उसके अलावा ये मैंने ली है 1 अदद बड़े वाली शिमला मिर्च थी, उसको आप अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहें आप कटिंग कर सकते हैं। उसके अलावा बैंगन है, 1 बड़े साइज़ का होता तो वो 1 इसमें जाना था, मेरे पास वो नहीं थे इसलिए मैंने ये छोटे साइज़ के ले लिए हैं। इसके अलावा मैंने दर्जन अंडे जो हैं वो उबाले हैं। अंडों को उबालने के बाद ये इस तरह से इनमें मैंने कांटे के साथ सुराख कर दिए ताकि इन सब चीज़ों को हमने फ्राई करना है, फ्राई करते दौरान ये फटे नहीं, ठीक है। अब चलते हैं चूल्हे की तरफ। हाँ, जो सी सब्ज़ियाँ मैंने आपको दिखाई हैं उन सबको मैं फ्राई कर लूँगी अब बारी बारी। प्याज को सिर्फ हमने नरम करना है, ठीक है, इतना बस इसे आपने फ्राई करना है और निकाल लेना है। हाँ जी, ये भी सॉफ्ट हो गए हैं, इनको भी मैं निकाल लूंगी इसी तरह से लाइट सा फ्राई करके। हाँ जी, बिरयानी के लिए मैंने तकरीबन 1 से 1.5 किलो के करीब चावल लिए हैं। अब मैं उसके लिए पानी उबालने लगी हूँ। बड़ी इलायची, तेज़पत्ता, छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा और कुछ लौंग और साबुत काली मिर्च जो है ना वो डालकर और नमक ऐड करके मैं इसको पानी को उबाल लूँगी। जैसा कि हम लोग बिरयानी के लिए करते हैं।
पानी उबलेगा तो मैं इसके अंदर चावल ऐड कर दूंगी। थोड़े से पानी के अंदर 2-3 टेबलस्पून में मैंने 1 टेबलस्पून जो है वो ऑयल का ऐड करके वो मैंने लगा दिया है ताकि चावल जो है वो नीचे ना लगे। बिरयानी को मैंने दम पे लगा दिया है, तकरीबन 5 से 10 मिनट तक मैं इसको दोबारा चेक करूंगी डिश आउट करके, फिर गार्निश करके फिर आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, हमारी मज़ेदार सी रेबिन बिरयानी जो है वो तैयार हो चुकी है। देखें कितनी अच्छी लुक आई है इसकी माशाल्लाह से, और चावल भी अलग अलग हैं, बहुत टेस्टी ये होती है, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो हमें याद रखिएगा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।